जनपद देवरिया के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में भाजपा के नेता विमलेश पाल धानागर ने समाजवादी पार्टी का थामा दामन। आपको बता दें कि विमलेश पाल धानागर तेज तर्रार नेता रहे हैं और अपनी धानागर समाज में इनकी अच्छी पकड़ भी रही है। विमलेश पाल धानागर ने मंच से 2027 में समाजवादी पार्टी को जिताने की कसम भी खाई। सामाजिक माध्यम से ज्ञात हुआ कि बरुआर निवासी सीमा सिंह ने थाना टडियामा पर नियुक्त हेड कांस्टेबल जगदीश पर घर के अंदर घुसकर छेड़छाड़ जैसी चीज़ों का गंभीर आरोप लगाया गया है। इस प्रकरण की जानकारी की गई तो यह ज्ञात हुआ कि अभी कुछ दिन पहले जगदीश 3 सिपाहियों के साथ बरुआर गांव के आसपास गए थे, जहां पर सूचना मिली कि सीमा सिंह के घर पर अवैध शराब बन रही है। वह लोग टीम के साथ चेक करने गए तो वहां पर सीमा सिंह मौजूद नहीं मिली। इस बात से नाराज होकर सीमा सिंह द्वारा जो है वो जगदीश के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। यह आरोप पूर्ण रूप से निराधार हैं। 2020 में 2024 में सीमा सिंह अवैध शराब बनाने के मामले में जेल जा चुकी हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।